नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी विषय गणित अध्याय 6 भाग। बच्चों ये है सुनीता। सुनीता के पास कुछ फूल हैं। बताओ बच्चों, सुनीता के पास कितने फूल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चों सुनीता के पास 6 फूल हैं और उनके सामने 2 गुलदस्ते हैं। बच्चों सुनीता सोचती है इन फूलों को बराबर बराबर दोनों गमलों में लगा दें। बच्चों सुनीता इन 6 फूलों में से एक एक फूल निकालकर दोनों गमलों में लगा देती है। तो बताओ बच्चों, अब सुनीता के पास कितने फूल बचे? 1, 2, 3, 4। बच्चों सुनीता के पास अभी 4 फूल बचे हैं। मतलब सुनीता और भी फूल गुलदस्ते में लगा सकती है। बच्चों तो सुनीता फिर से एक एक फूल निकाले और गुलदस्ते में लगा दें। इस तरह बच्चों हम देखते हैं कि सुनीता के पास 1, 2 फूल बचे और दोनों गुलदस्तों में 1, 2, 1, 2 दोनों गुलदस्तों में अभी 2-2 फूल हैं। बच्चों सुनीता फिर से एक एक फूल दोनों गुलदस्तों में लगा देती है। अब सुनीता के पास कितने फूल बचे बच्चों? 1 भी नहीं ना। सुनीता के पास अब 1 भी फूल नहीं बचे और दोनों गुलदस्तों में 1, 2, 3, 1, 2, 3। बच्चों अब दोनों गुलदस्तों में 3-3 बराबर फूल हैं। मतलब बच्चों 6 फूल को 2 गुलदस्तों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक गमले में 3-3 फूल आएंगे। आओ बच्चों हम कुछ गतिविधि करके देखते हैं। बच्चों हमारे पास यहाँ कुछ किताबें हैं। बच्चों पहले हम किताबों को गिनेंगे। 1, बच्चों हमने ये पहला किताब रखे और ये दूसरा किताब और ये तीसरा किताब और ये चौथा किताब और ये पांचवा किताब और ये छठवा किताब और ये सातवा किताब और ये आठवा किताब। तो बच्चों हमारे पास कुल कितने किताब हैं? 8। कितने किताब हैं बच्चों? 8 किताब हैं। बच्चों अब हम इन 8 किताबों में से 2-2 किताब बाहर निकालते जाएंगे। तो बच्चों 8 में से हम पहले 2 किताब बाहर निकालते हैं। तो बच्चों हमारे पास कितने किताब बचे हैं अब? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 8 किताब में से 2 किताब बाहर निकालने पर हमारे पास 6 किताब बचे। अब बच्चों हम 6 किताबों में से 2 किताब फिर से बाहर निकालेंगे। 1, 2। बच्चों हम 6 में से 2 किताब फिर से बाहर निकालें। अब हमारे पास कितने किताब बचे बच्चों? 1, 2, 3, 4। बच्चों अब हमारे पास 4 किताब बचे हैं। बच्चों हम 4 किताबों में से 2 किताब फिर से बाहर निकालेंगे। अब बच्चों हमारे पास कितने किताब बचे हैं? 2 किताब। 1, 2। अब हमारे पास 2 किताब बचे हैं। बच्चों हम 2 किताब में से दोनों किताब बाहर निकालेंगे। अब बताओ बच्चों हमारे पास कितने किताब बचे हैं? 1 भी नहीं। मतलब बच्चों 8 किताबों को मतलब बच्चों 8 किताबों में से 2-2 किताब करके बाहर निकाला जाए तो 4 बार बाहर निकालने से पूरी बुक निकल जाएगी तथा हमारे पास कोई भी बुक शेष नहीं बचेगा।
जिस तरह बच्चों हमने किताबों को बांटना सीखे, इसी तरह कंकड़, पत्थर, फूलों को तथा बीजों को बांट करके यह गतिविधि सीख सकते हैं। बच्चों आप सभी इनको तो जानते हैं ना, कौन है ये? भीम। हाँ, जिसे हम प्यार से छोटा भीम कहते हैं। और ये इनके तीन मित्र चुटकी, राजू, जग्गू। बच्चों भीम के पास 7 लड्डू है, जिसे वे अपने तीन मित्र राजू, चुटकी और जग्गू तीनों को बराबर बराबर बांटना चाहता है। तो बताओ बच्चों, प्रत्येक को कितने कितने लड्डू बटेंगे और भीम के पास कितना लड्डू शेष बचेगा? बच्चों भीम ने 7 में से 3 लड्डू निकाल कर राजू, चुटकी, जग्गू तीनों को एक एक लड्डू दे दिए। और भीम के पास अब कितने लड्डू बचे बच्चों? 7 में से 3 लड्डू निकाले तो उनके पास 4 लड्डू बचे। भीम ने फिर से उन 4 लड्डू में से 3 लड्डू बाहर निकाले और चुटकी, राजू और जग्गू तीनों को एक एक लड्डू दे दिए। अब बच्चों भीम के पास कितने लड्डू बचे? 1। और चुटकी, राजू, जग्गू प्रत्येक के पास 2-2 लड्डू बचे। तो हमने क्या देखा बच्चों? भीम के पास 7 लड्डू थे और उन्होंने अपने तीन मित्र को 2-2 लड्डू बांटे और उनके पास 1 लड्डू शेष बच गया। इसी तरह बच्चों क्या आप लोग कंचे बांटने में मीना की मदद करेंगे? बच्चों ये है मीना। मीना के पास 8 कंचे हैं, जिसे वे बराबर बराबर चुन्नू और गुड़िया को बांटना चाहती है। तो बच्चों आप लोग इन कंचों को बराबर बराबर बांटने में मीना की मदद करें। बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में ये कुछ प्रश्न दिए हैं, जिन्हें आप हल करके देखिए। बच्चों इस अध्याय में हमने वस्तुओं को बराबर बराबर बांटना सीखे। इसी तरह बच्चों आप भी अपने मित्रों के साथ अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग समूहों में बांट कर देखें और पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर ढूंढिए। अच्छा बच्चों, अब हम फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।